जीवन के जल कौन है? अगर हमें जीवन के जल के बारे में जानना है तो खुदा के वचन को पढ़ना पड़ेगा, और अगर गहराई से समझना है तो हमें पुराना नियम से शुरू करना पड़ेगा। बाइबल में निर्गमन चैप्टर 17 उसके 6 आयत में लिखा है, परमेश्वर कहता है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इसराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसे ही किया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर होरेब पहाड़ के ऊपर खड़ा रहा और मूसा ने अपना डंडा लेकर उस पहाड़ को मारा, मतलब पहाड़ मतलब पत्थर था वो पत्थर, और उसमें मारा, और उस पत्थर के अंदर से सोचो, हो सकता है कभी कोई, अगर ये पत्थर है अगर मैं इसको मारूं क्या इसमें से पानी निकल सकता है? नहीं निकल पाएगा, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने पहाड़ में से पानी निकाला, जल निकाला। क्या लिखा है? और तू इस चट्टान पर मारना तब उसमें से पानी निकलेगा। और वो पानी क्या था? वो जीवन का जल था जो इजरायली लोगों ने पिया था जंगलों में, जो इजरायली लोगों ने पिया था वो जीवन का जल था। अब वो जल कौन है? हमें उस जल के जानने से पहला हमें यह जानना पड़ेगा कि वो चट्टान कौन था। वो चट्टान था प्रभु यीशु मसीह। आप बोलोगे चट्टान कैसे प्रभु यीशु मसीह हो सकता है? मैं आपको अभी साबित कर रहा हूं कि चट्टान प्रभु यीशु मसीह कैसा है। दाऊद एक छोटा लड़का था और उसके सामने एक बड़ा दानव खड़ा था, गुलियत। आप लड़ पाओगे बड़े से? कभी लड़ नहीं पाओगे। अगर आप छोटे हो, आपके पास ताकत नहीं है, आप कैसे लड़ोगे बड़े से? तो बड़े को हराने के लिए बड़े वाले ताकत की जरूरत है। हाँ, बड़े को हराने के लिए बड़े ताकत की जरूरत है। बड़े देश को हराने के लिए बड़ा ताकत की जरूरत होता है। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ, उस दानव के सामने में, तो दाऊद ने क्या बोला पता है? लिखा है 1 सामुएल 17:49 में, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्तीनी के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वहां भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। वो पत्थर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। और जो लोग इज़राइल में पानी पिया था चट्टान के में से, वो चट्टान कौन था? प्रभु यीशु मसीह। अब बड़े कंफ्यूज हो गया, ये कैसा हो सकता है? चट्टान कैसा प्रभु यीशु मसीह हो सकता है? सोचो, आत्मा में आओ। शरीर में सोचोगे तो आपको पत्थर लगेगा लगेगा, लेकिन आत्मा में जब आओगे तो आपको लग जाएगा, कंफर्म हो जाओगे कि वो प्रभु यीशु मसीह है। मैंने आपको पहले बोला कि बड़े को हराने के लिए बड़े ताकत की जरूरत होता है। दाऊद एक छोटा लड़का था और वो दानव था, तो कैसे हरा सकता था? पूरे इसराइल के लोग डर रहा था दानव से पूरे इसराइल के लोग डर रहा था, लेकिन दाऊद एक छोटा लड़का था और उसने क्या बोलकर किया था? 1 सामुएल 17:45 में लिखा है, दाऊद ने फलिस्तीनी से कहा, तू तो तलवार और भला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। परमेश्वर को ललकारा। परमेश्वर किसका है? बोला मैं, परमेश्वर खुद बोलता मैं इसराइल का परमेश्वर हूँ। और इसराइल को क्या क्या दानव ने ललकारा, यानी परमेश्वर को ललकारा, याकूब को ललकारा। हाँ, और याकूब किसके साथ लड़ाई किया था? परमेश्वर के साथ लड़ाई किया था। और परमेश्वर ने उसका नाम बोला, तेरा नाम क्या? उसने बोला याकूब। बोला आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इसराइल होगा। और परमेश्वर बोलता है मैं इसराइल का परमेश्वर हूँ। और दानव ने, शैतान ने क्या किया? परमेश्वर को ललकारा। और प्रभु यीशु मसीह वहां पे गया उस पत्थर बनकर, और वो पत्थर इतना घुमा घुमा के मारा, क्या गिर जाएगा एक पत्थर से? नहीं, बोलता है इतना जोर से वो पत्थर गया, सिर में आया से मारा, पूरा घुस गया, बाइबल कहता है भीतर घुस गया, और
वो दानव, वो शैतान, वो राक्षस क्या हुआ, जमीन पे ढेर हो गया, गिर गया। तो पत्थर प्रभु यीशु मसीह था, और जंगल में जो मूसा ने चट्टान के ऊपर डंडा मारा था, वो चट्टान भी प्रभु यीशु मसीह था, जिसमें से पानी निकला था। आपको वचन से अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या बोल रहे हो ब्रदर, मैं आपको और भी वचन देता हूं, उससे आप पूरे क्लियर हो जाओगे। बाइबल में लिखा है साफ साफ, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, वो पानी प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। जब हम 1 कुरिन्थियों 10 उसके 4 आयत को जब हम पढ़ते, तो वहां पे साफ साफ लिखा है भाई, साफ साफ लिखा है कि यीशु ही वो चट्टान है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलते थे, और वहां चट्टान मसीहा था। चट्टान, वह पहाड़, वह पत्थर कौन था? मसीह था। अगर वो प्रभु यीशु नहीं होता तो जल कभी नहीं निकलता, कभी नहीं निकलता, कभी नहीं। वो चट्टान मसीह था, बाइबल में साफ साफ लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही आत्मिक जल पिया। आत्मिक कौन है? परमेश्वर। आत्मा कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलता था। साथ साथ कौन चलता था? परमेश्वर, यहोवा, जोड़ावर, यहोवा रफा चलता था, उसका चंगा करने वाला, हमारा चंगा करने वाला उसके साथ साथ चलता था। और वहां चट्टान मसीहा था, यानी प्रभु यीशु था। मसीहा कौन है? प्रभु यीशु। तो इजरायली लोग जो जल पिया था चट्टान में से, वो चट्टान था प्रभु यीशु। जो पत्थर दाऊद ने अपने थैले में से निकाल कर मारा, वो पत्थर कौन था? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ही सब कुछ है मेरे प्रिय, वो सब कुछ है वो। आगे में जब हम यूहन्ना अध्याय 4 उसके 10-14 तक पढ़ते, तो वहां पे बाइबल साफ साफ यहाँ पे कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यहाँ भी जानती कि वहां कौन है तो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वहां तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह वहां पे बैठा कुएं के पास, और वो औरत पानी भर रहा था, और बोलता है हे लड़की मुझे पानी पिला दे। उसको पता नहीं है कि यही यीशु है, यही जीवन का जल है। तो स्त्री बोलता है, स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वहां जीवन का जल तेरे पास कहां से आया। यीशु मसीह के पास कुछ ना कटोरा था ना प्याला है, तो बोलता है तेरे पास कुछ भी नहीं है, कुआं भी गहरा है, तेरे पास जीवन का जल कहाँ है। उस औरत को पता ही नहीं यीशु ही जीवन का जल। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यहाँ कुआं दिया और अपनी अपनी संतान और अपनी पशुओं समेत इसमें से पिया यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो कोई यहाँ जल पिएगा वहाँ फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वहां फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़त रहेगा। साफ साफ यहां पे बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु बोलता है जो कुआं याकूब ने खोदा, जो कुआं याकूब ने तुझको दिया, इसराइली याकूब ने जो तुझको दिया, वो जल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जल प्रभु यीशु तुमको देगा, जो जल यीशु तुमको और मुझको देगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। बाइबल में साफ साफ लिखा है, उसमें से एक स्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, यानी कभी खत्म नहीं होगा, निकलता रहेगा पानी बाहर, उमड़ता रहेगा, यानी गिरता रहेगा बाहर, निकलता रहेगा, ऐसा उमड़ना मतलब ऐसा ऐसा बाहर निकलना, गिरता रहेगा, उमड़ता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा जल। और वो जल कौन था? प्रभु यीशु मसीह। फिर स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु यहाँ जल मुझे दे ताकि मैं प्यासा ना होऊंगा और ना जल भरने को इतनी दूर आऊंगा। हालेलुया। और वो जल कौन था? प्रभु यीशु मसीह। वो जल था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा था और औरत को पता नहीं है। जब उसकी आंखें खुली तो उसको पता चला यही तो जीवन का जल है। यार पूरे बाजारों में जाकर यीशु मसीह का प्रचार किया, सब लोगों ने मन फिराया।
हालेलुया। मेरा बिलीव है आप समझ चुके हो कि जीवन का जल कौन है और चट्टान कौन था वो जंगलों में जो इसराइली लोगों ने पानी पिया था। सब कुछ कौन है? जीजस ही है। वही जीवन का जल है, वही जीवन की रोटी है, वही है मार्ग सत्य जीवन। आपको हेवन जाना है तो जीजस के पास आना पड़ेगा। मैं आया, मैं सत्य को जाना। आप ढूंढो सत्य को, आपको मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। आप बोलो प्रभु को कि प्रभु मुझे जानना है सत्य को, जीजस तू कौन है। आप सिर्फ इतना बोलो, वो बता देगा कि वो कौन है। मैंने आज तक मेरे लाइफ में, मैं जितने सारे लोगों से मिला हूँ, जितने सारे मेरा फ्रेंड है, मैं उन लोगों को सिर्फ एक चीज़ में देखता हूँ, वो बोलता है कि ये जो तस्वीरों में जो है, तस्वीर में हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, ये बंदा कौन है? अगर ये कौन है तो किसी ने बोलता है जीजस है, फिर बोलते जीजस कौन है? जब उसने ये सोच लिया तो उसको क्या किया, परमेश्वर ने खींच कर अपने कलीसिया में लेकर गया और वो आज प्रचार कर रहा है और वो आज अपने जीवन जीजस को दे दिया। हाँ, जीजस तस्वीरों में नहीं रहता, वो जो तस्वीर में है वो एक कैरेक्टर प्ले करता है, यानी वो एक्टर है, वो खुदा नहीं है। खुदा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। तो जस्ट आप इतना बोल सकते हो कि प्रभु मुझे तुझे जानना है, तू कौन है जीजस, मैं तुझे जानना चाहता हूँ प्रभु यीशु, तू कौन है, सत्य क्या है, मुझे बता। और वो आपको बताएगा, 100% बताएगा भाई। गॉड ब्लेस यू। दूसरों के मैसेज जरूर शेयर करना।